सच का साथ की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी में आपको बता दें कि जहां पर बिल्डर अशोक सैनी से की गई मांग, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मेरठ थाना मेडिकल क्षेत्र के सराय काजी में बिल्डर अशोक सैनी से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती। अशोक सैनी बिल्डर के घर पर आरोपियों ने पर्चा फेंक कर फिरौती मांगी थी। फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसका पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई। फिरौती मांगने की घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। इसी बात को लेकर आज अशोक सैनी बिल्डर के आवास पर महापंचायत हुई। अभी तक फिरौती वाली घटना का खुलासा न होने पर हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के साथ अन्य पिछड़ी जातियों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलन की बड़ी घोषणा हो सकती है। पंचायत के दौरान 24 घंटे का समय दिया गया है खुलासा करने का, अन्यथा क्लास आना हुआ तो पंचायत में कहा गया सैनी समाज में अन्य पिछड़ी जाति सभी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये समय इस बात की ताकीद करते हैं कि 24 घंटे में आपको अगर प्रशासन रिलीफ देकर के पूर्ण सिक्योरिटी देकर के गुंडा तत्व को जो है ना जेल में या हवालात में डाल देता है तो हमें कुछ यहाँ पर फिल्मी स्टारों के तो घर में रोटी किसने किस बच्चे ने खाई, कौन बीमार है, उसके तो छपते हैं बड़े बड़े चिट्ठे, और यहाँ किसी की जान के ऊपर बनी वो कहीं दो लाइन लिखी किसी कोने में मिलेगी, उसका पता भी किसी की नजर पे नहीं पड़ेगा। आज मीडिया पर से विश्वास उठता जा रहा है, मीडिया भी अपना विश्वास कायम करे, पुलिस भी अपना विश्वास कायम करे, समाज में असामाजिक तत्वों को जिस प्रकार से नेताओं की पनाह मिलती है उसके हम जानकार हैं, और नेता भी उनको भी धूल चाटनी पड़ेगी अगर जनता के साथ इस प्रकार के व्यवहार रहे। तो मित्रों, आज का आपके यहां आने का मैं धन्यवाद करता हूं, और भाई अशोक जी को इंश्योर करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको तसल्ली ना मिले, आपके 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 साथ किसी प्रकार का खतरा बना रहता है, तो फिर आप सबको मैसेज इनके नंबर आपको देके जाएंगे, इनके नंबर आप 2 दिन के अंदर हमारे पास डाल देना, तो फिर गुंडे तत्व को भी देखेंगे और शासन प्रशासन के ढुलमिल रवैये को भी हम समझ लेंगे कि प्रदेश में क्या चल रहा है। आज योगी सरकार अगर अपने पर बनती है तो मिनटों में इनकाउंटर होते हैं, अगर जनता पे बनती है जिनके वोट लिए जाते हैं तो उनकी परवाह किए बिना शासन गहरी नींद सोए, इसका हमें बहुत दुख है। खेद प्रकट करते हैं कि समाज में काम करने वाले आदमियों को अगर इस प्रकार की थ्रेट मिलती रहती है और काम करने में उसे मुश्किलें पेश आती हैं, तो हम उसका इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई तुरंत बैठा देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आए हुए भाइयों का धन्यवाद करता हूं, और 24 घंटे का समय हम प्रशासन के लोगों को अपील करते हैं आज कि वो इस गुत्थी को सुलझा करके तुरंत उनको हवालात में बंद करें और इनको। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।